हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों रियलमी C30 मोबाइल की एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें थर्ड पार्टी की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, जैसे बिटमेट वगैरह ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलते हैं। वो एप्लीकेशन आपको इस मोबाइल में डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। बहुत सारे लोग एक ही कमेंट मेरे पास कर रहे हैं कि क्या इस मोबाइल को अगर हमने लिया और 15 महीने का जो इसका लॉक का टाइम पीरियड है वो निकल गया, इसके बाद हमारा कोई भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा लॉक क्यों आता है। देखिए, आप जानते होंगे कि ये मोबाइल कोई साधारण मोबाइल नहीं है, नॉर्मल। इसमें अगर आप इसका नॉर्मल मोबाइल लेते हो तो 500 रुपये ऊपर का आता है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो और वहां पर अगर आप 500 रुपये डिस्काउंट के चक्कर में इस मोबाइल को ले लेते हो, यहां तक कि मैंने भी ले लिया था, इसीलिए मुझे इतना नॉलेज इसका आया है। और लेने के बाद मैंने तो वापस उसको कर दिया था और मैंने आपको बहुत सारे वीडियो भी उसके टॉपिक पर दिए थे। अभी यहां पर जो उन वीडियो पर मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, कुछ उनके आधार पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो ऑल ओवर जो मोबाइल होता है इसमें कंडीशन लगा के देती है एयरटेल कंपनी। तो यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि आपको 199 रुपए से ऊपर का बैलेंस डालना होगा, साथ में आप लोगों को 15 महीने तक एयरटेल का सिम डालना होगा और फर्स्ट स्लॉट में सिम डालना होगा। इसके अलावा अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं करते हो किसी महीने में, तो 4-5 दिन महीना रिचार्ज खत्म होने के बाद आप लोगों का जो है 4-5 दिन बाद एयरटेल कंपनी इस फोन को लॉक कर देगी। लॉक ऐसा लगता है कि ना तो उससे फिर बात होती है, ना फोन आता है ना जाता है, यानी कि मोबाइल इस तरीके से बस आपकी जो है डमी बन जाता है, एक ऐसा मोबाइल बन जाता है जिसका कोई यूज ना हो। तो इसलिए आप लोगों को उसमें फिर वापस से बैलेंस डलवाना होता है, तब वो खुलता है। अब यहां पर एक समस्या ये तो थी, लेकिन समस्या एक बड़ी समस्या ये है कि इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होते। जब आप कोई जिप फाइल डाउनलोड करते हो या फिर अपनी जो है एपीके फाइल डाउनलोड करते हो तो वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती है। ऐसे में यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है और इसमें 15 महीने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, जो समस्या इसमें देखने को मिल रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 15 महीने का इसमें टाइम मिला हुआ है। 15 महीने बाद ही हम कंफर्म बिल्कुल 100% बता सकते हैं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी या नहीं होगी उसके बाद। लेकिन हाँ, एक मैं आपको जानकारी दे सकता हूं वो कि बहुत सटीक बैठेगी बाद में, क्योंकि अभी इसका लॉन्च हुए 15 महीने तो हुआ नहीं है कि हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर। बट ये जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है इससे पहले वो उन फोन पर देखने को मिली है। आप लोगों ने भी अगर लिया हो कभी से किसी उससे पहले बजाज फाइनेंस या फिर किसी कंपनी से आपने कोई मोबाइल अगर फाइनेंस कराया है, तो फाइनेंस कराते हैं जो मोबाइल जिनका पैसा आपने ईएमआई पर चुकाना है, अभी पूरा नहीं दिया है, उन वाले फोन में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी जो फोन आप लोन से लेते हो यहां पर, या फिर आपके पास अगर ऐसा कोई फोन है जो किसी व्यक्ति ने फाइनेंस कराया था और आपको ने उससे खरीद लिया है और उसने उसका ईएमआई पे नहीं किया है, तो कंपनी इसमें इस प्रकार के लॉक वगैरह डाल देती है या फिर इनमें एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने देती है। तो ऐसे में आप लोगों को यहां पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करने का सिस्टम एयरटेल हमारे साथ क्यों कर रहा है और रियलमी C30 मोबाइल में क्यों दे रहा है, देखिए, आप जानते हैं कि जो इसमें सिस्टम दिया गया है कि आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपके फोन को लॉक कर देंगे, इसका एक एप्लीकेशन है उसी एयरटेल के आपके फोन में। तो एयरटेल का एप्लीकेशन है। अब एयरटेल कंपनी को यह डर है कि अगर कोई ऐसा एपी के फॉर्मेट का एप्लीकेशन मार्केट में बन गया जो हमारे इस जो एयरटेल का लॉक लगने वाला सिस्टम है इसको तोड़ दे, ताकि यहां पर मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल बन जाते हैं, स्टार्टिंग से ही उसने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि आप कोई एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्ले स्टोर पर तो ऐसे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे नहीं। तो ऑल ओवर अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि 15 महीने आप लोगों ने अगर यूज कर लिया इसको एयरटेल के साथ सब कुछ मैनेज करके, इसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे या फिर नहीं, तो हां और ना में अगर मेरे आप जवाब सुनते हो तो भाई 50% चांस है हटने के और 50% चांस है ना हटने के, क्योंकि आप जानते हो कि अभी 15 महीने इसमें हुआ नहीं है, तो प्रॉपर किसी ने चेक करके तो बताया नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुझे चांस यही लग रहे हैं कि जो इसकी 15 महीने की कंडीशन है वो सारी की सारी 15 महीने तक ऑटोमेटिकली सब कुछ हट जाएगी, उसके बाद एक नॉर्मल फोन बन जाएगा तो सब कुछ डाउनलोड होने लगेंगे वैसे, ठीक है, लेकिन 15 महीने बाद ही हम प्रॉपर चेक कर पाएंगे कि आखिरकार सिस्टम इनका क्या है। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं या फिर आप लोग ऐसे फोन वगैरह से दूर रहना चाहते हैं जो लॉक लगा दे या फिर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड ना कराए, और या फिर आप लोगों की एरिया में अगर एयरटेल का नेटवर्क नहीं है तो इस फोन से आप बचें,
₹500 देकर के आप दूसरा फोन लें, या फिर अगर आपने खरीद लिया है तो इसे या तो आप इसका सॉफ्टवेयर चेंज करा दें जो कि एक नॉर्मल फोन बन जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो इसको, या फिर आप इसका ₹800 पे कर दें एयरटेल को ताकि एक नॉर्मल फोन बन जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।